हे डियर आर्टिस्ट, तो आज हम करने वाले हैं लाइन वार्म अप और वैल्यू की प्रैक्टिस, जो कि हमारी ड्राइंग को सुंदर और सही बनाने में हेल्प करती है। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने बेसिक्स फंडामेंटल की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे लाइन, फिर शेडिंग एंड देन वैल्यू। अपनी पेंसिल उठाओ और शुरू हो जाओ। आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ, फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस। आप किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम अपनी लाइन को थोड़ा आड़ा कर देंगे। अब थोड़ी डार्क लाइन और अब कर्व लाइंस। आपको इसकी प्रैक्टिस रोज़ करनी होगी, तब जाके आपकी ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। और अब शेडिंग की बारी है। पहले हम लाइट शेडिंग करेंगे और फिर डार्क, एंड द लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट। अगर आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखोगे तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, और आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आपको सबसे पहले ऐसे शेप्स ड्रॉ करने होंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले शेप्स ड्रॉ कर लीजिए। अब हम इसमें वैल्यूज़ ऐड करेंगे। आपको पता है वैल्यू किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना डार्क है या कितना लाइट है, या उस पर लाइट किस डायरेक्शन से पड़ रही है, उसको हम वैल्यूज़ कहते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट पर लाइट अपर राइट डायरेक्शन से पड़ रही है, तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट डार्क होगा और राइट वाला लाइट होगा। अब क्योंकि इस पर लाइट पड़ रही है, तो इसकी शेडो भी बनेगी, जो कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ऐसे ही सेम हम बाकी के शेप्स में करेंगे। आप साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे। मैं एक फूड का पॉट ड्रॉ कर रही हूँ। हमारी फूड पर लाइट अपर राइट साइड से पड़ रही है, तो लेफ्ट वाला पार्ट डार्क होगा। और जो फूड की डिटेल्स है, मैं वो इसी पेंसिल से डार्क कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्कर का यूज़ भी कर सकते हैं या डार्क पेंसिल ले सकते हैं। एक और ड्राइंग बनाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो प्रोपोर्शन के ऊपर होगी। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखा है तो थैंक यू, और अगर आधा भी देखा है तो भी थैंक यू। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।